गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर गर्ल फ्रॉम इंडिया एंड मैं हूँ लिपि। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सा सिंपल सा होम रेमेडी लेके आई हूँ जो हमारी स्किन को वाइटन एंड फेयर करने में तो हेल्प करता है या उसके साथ हमारा जो टैन हमारी स्किन का जो टैन उसे भी निकालता है, स्कर्स को भी क्लियर कम करता है, उसके साथ साथ हमारे स्किन को इवन टोन करता है, एक हमारे स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसे भी निखारने में भी हेल्प करता है हमारे स्किन को, इसके साथ साथ हमारे स्किन को रिपेयर भी करता है। ये एक बहुत ही इजी यूजफुल होम रेमेडी है जो हम लोग शायद बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं और मैं आज आप लोगों को ये एकदम क्या बोलूँ, चलिए देखते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। उसके पहले आप लोगों को जो करना है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सा जो सब्सक्राइब बटन है उसे तो प्रेस करिएगा ही, उसके बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। एंड दोस्तों सब्सक्राइब एकदम फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी प्राइस देने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। एंड जल्दी से बहुत सारे ढेर सारे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और अगर आज मेरा हेयर थोड़ा शाइन कर रहा है एंड बहुत सिल्की हो गया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे किया तो जल्दी से जल्दी बहुत सारे देख आप लोग देख सकते हैं, एकदम ही एकदम स्ट्रेट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ढेर सारे कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं ज़रूर वो शेयर करूंगी। मेरा जो हेयर केयर मेथड है एक मैंने शेयर किया हुआ है एंड ये सेकेंड है, ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो शुरू किया जाए। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम लोगों को पहले चाहिए वेट यानी कि आटा, गेहूं का आटा, टमाटर का प्यूरी, थर्ड है मुल्तानी मिट्टी एंड फोर्थ है योगर्ट। टमाटो हैज स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज, रिमूव डार्क स्पॉट, इम्प्रूव स्किन टोन एंड इसमें मैग्नीशियम होते हैं जो हमारे स्किन को एक रेडिएंट लुक देता है। एंड वेट यानी कि गेहूं का आटा हेल्प्स टू रिजुविनेट आवर स्किन और इसमें सिलेनियम होते हैं और ये हमारे जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसे भी रोकता है। एंड हम लोग तो जानते ही है योगर्ट में लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं जो हमारे स्किन को वाइटन एंड लाइटन करने में हेल्प करता है और मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल है उसे भी क्लियर करता है। ये हमारे स्किन को एक क्रिस्टल क्लियर, ग्लोइंग, स्पॉटलेस एंड डी टेन करता है जो हमारे स्किन के रेडिएंट लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे स्किन को फेयर भी करता है और ग्लोइंग भी करता है। जो फेस मास्क है वो एकदम रेडी है, आप लोग देख सकते हैं ये फेस मास्क एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं अपने पूरे फेस में इसे इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले मुझे जो करना है अपने फेस को एकदम क्लीन कर लेना है। मैंने अपना फेस एकदम क्लीन कर लिया है, अभी मैं अपने हेयर को सिक्योर कर लूंगी। अभी मैं ये फेस मास्क आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा फेस मास्क है जो हमारे स्किन को लाइटन तो एंड ब्राइटन तो करता है, उसके साथ जो हमारा स्किन एकदम डल और बेजान हो जाता है उसे भी ठीक करता है, रिपेयर करता है। एक बात बोलूं दोस्तों, मैं कभी कभी अपने आई एरिया में भी ये लगा लेती हूँ एंड अपने नेक में भी इसे लगाना होगा। इसे अभी ऐसे थोड़ा आप लोग चाहे तो और भी लगा सकते हैं। अब
अभी इसे 20 मिनट्स तक छोड़ देना होगा। 20 मिनट्स बाद मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। देखते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, मेरा नाक तो पूरा चमक रहा है। ये बहुत ही एक इजी एंड असरदार होम रेमेडी है। जल्दी से इस होम रेमेडी को अपने घर में बनाकर खुद के ऊपर ट्राई कर लीजिए एंड देखिए इसका कमाल। ये बहुत ही एक अच्छा असरदार एंड क्या बोलूँ, मतलब आप लोग मुझे देखकर अभी समझ सकते हैं। एंड जल्दी जल्दी इसे इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों को जो करना है मैंने पहले ही बोल दिया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एंड लॉट। दोस्तों मैं एकदम नई हूँ और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का एक सपोर्ट एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है ऐसे और भी बहुत ही बेहतर बेहतर वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड वो जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना एकदम भी मत भूलिएगा मेरे अपडेट किए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों अभी बाय बाय, मैं बहुत ही जल्दी आऊँगी मेरे एक नए वीडियो के साथ।